गवर्नमेंट जो है फेल, क्योंकि वो हमने इमरजेंसी लगाया ही तब है जब उस स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो गई है, सिर्फ गवर्नमेंट के फेल होने पर। ठीक है, अब आते हैं कौन से इमरजेंसी पर, 360 कौन सा इमरजेंसी है, फाइनेंशियल। क्या इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नहीं लगी है। अब ठीक वही पहला आ जाएगा 360 कोई तो। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेंगे आप लोगों के कहने पर, एक मिनट जी, 356 में एक क्वेश्चन छूट गया आपका। जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो प्रेसिडेंट विदिन 30 डेज, यानी प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाते हैं विदिन 30 डेज दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी है। आफ्टर 30 डेज वो क्या होगा, सीज हो जाएगा। और अगर 30 डेज में पास हो गया तो मैक्सिमम कितने मंथ के लिए लग जाएगा, 6 मंथ। स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के पास ये टाइम 60 डेज का है। ठीक है, वहां लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गया था। नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लगाते हैं वैलिड है ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अंडर में दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी है। अगर पास नहीं किए तो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा, और अगर पास कर दिए तो इमरजेंसी एक बार में 6 मंथ के लिए लगेगी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जो लगाते हैं इमरजेंसी वो वैलिड है 60 डेज के लिए, 60 डेज के अंदर में पास करना जरूरी है। समझ गए, क्लियर है, बताए क्या फटाफट, समझे कल वाले क्वेश्चन पर इसको बोलिए। पूरा साफ साफ बोले, जोर से बोले, कैसे टर्न हो जाएगा, देखो 356 में कंप्लीटली ये कहा जाता है कि पावर सीज हो गया, यानी पर्टिकुलर उस स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन डेड हो गया। ठीक है, और सीज होकर चला गया 356 में किसके अंडर में, सेंट्रल के अंडर में। तो इसीलिए 356 को उन्होंने ये माना था कि स्टेट का पावर वहीं पर सीज होकर रह गया। ठीक है, क्लियर। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर, यह मूल अधिकारों का भी मूल अधिकार है। क्यों, क्योंकि 5 टेक ऑफ रीट्स दिया। क्लियर, ऐसे ही उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि कब कहां क्या चीज ट्रांसफर किया जा रहा है। अब पहले मेरे क्वेश्चन को सुन ले और समझ ले, क्योंकि कल के क्वेश्चन से आज के क्वेश्चन में एक डिफरेंसेस आया। आपको बताना है कि जो 352 लगता है कितने दिनों के लिए वैलिड है, प्रेसिडेंट जो लगाते हैं, जो 356 है उसे प्रेसिडेंट कितने दिनों के लिए वैलिड रख सकते हैं, 60 डेज। क्लियर है डिफरेंसेस यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे 360, दैट मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैम 60 डेज के अंदर बोथ द हाउसेस। ठीक है, जब बोथ द हाउसेस पास कर देगी तो 6 मंथ के लिए चला गया। जिनका पहला दूसरा क्लास है और जिनका फर्स्ट क्लास, उनको इमरजेंसी समझने में मुश्किल होगा क्योंकि आपका इमरजेंसी तो कल समझा दिए। ठीक है, that quorum will sign the so in this case also the quorum that means always इसमें तो quorum आएगा।